नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसई बाबोला पुलिस चौकी के पास। आप देख सकते हैं यहां हमारे पीछे एक डंपर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होकर यहां डिवाइडर के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस डंपर का नंबर है MH47Y8485। ये घटना अभी करीब आधे पौने घंटे पहले घटी है और ये डंपर इस तरह से डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। इस घटना में किसी की हताहत नहीं हुई है, ये एक बड़ी जानकारी है। लेकिन इस डंपर के इस तरह से डिवाइडर के चढ़ने के ऊपर के कारणों की जब हमने जानकारी लेनी चाहिए और पता लगाने की कोशिश की, तब यहाँ पुलिस चौकी में मौजूद इस डंपर के ड्राइवर ने ये बताया कि एक ऑटो रिक्शा यहाँ से निकल रहा था और उस ऑटो रिक्शा को बचाने के प्रयास में ये डंपर इस तरह से डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। अभी ड्राइवर कितना सही बोल रहा है और कितना गलत बोल रहा है ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन ड्राइवर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, उसने फ़ोन पर बात करते करते ये कहा, जो खुद हमने सुना है, कि इस डंपर के ब्रेक्स कम थे और ब्रेक नहीं लगे। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये बात ड्राइवर किसी को फ़ोन पर बता रहा था वो हमने सुना है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर के इस बात पर बड़ा सवालिया निशान लगता है कि अगर इतने बड़े व्हीकल के ब्रेक्स वगैरह बराबर नहीं थे तो क्यों ये रोड पे उतारा गया, क्यों इस तरह से इसको रोड पे लिया गया। हो सकता है कि अभी का जो हादसा हुआ उसमें ड्राइवर की कोई गलती ना हो, लेकिन तब भी ब्रेक नहीं लगना एक बड़ी गलती मानी जा सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस डंपर की वजह से ये ड्राइवर डिवाइडर टूटा है। डिवाइडर टूटा सिर्फ इतना ही नहीं, एक ये पोल है पूरा का पूरा, इसके नीचे इस तरह से नीचे दबा हुआ है वो पोल पूरा, ये पोल को तोड़कर ऊपर चढ़ा है। और यहाँ पर महानगरपालिका द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा CCTV कैमरा जो बिठाया गया वो भी तहस नहस हो चुका है। पीछे का जो पोल है, ये पोल भी पूरा झुक गया है। और कहीं ये पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी से 15 मीटर 20 मीटर की दूरी पर ये हादसा अभी हाल ही में आधे पौने घंटे से पहले हुआ है। और करीब करीब आधा पौना घंटा निकल जाने के बाद भी अभी तक कोई राहत बचाव दल नहीं आया कि इस डंपर को यहाँ से हटाया जा सके। ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है प्रशासन के ऊपर। अब जो कह रहा था कि ड्राइवर ने जिस तरह से कबूल किया, ड्राइवर ने हमारे कैमरे के ऊपर भी ये बात को कबूल ही कि हाँ ब्रेक नहीं लग रहे थे, तो सवाल ये है क्या RTO डिपार्टमेंट इनकी समय समय पर जांच नहीं करता है। ये डंपर मीरा रोड का है और वहाँ से वसई ये इसमें जो माटी है वो लेकर आया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ये तो एक छोटी इसमें ब्रेक की प्रॉब्लम, और भी न जाने इनमें क्या क्या खामियां होगी, लेकिन ये सरपट आज सड़क पर दौड़ रहे हैं और हादसों का न्योता दे रहे हैं। इसमें कोई बड़ी हताहत अगर होती आज तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या जो कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कोई कंपनी है वो इसकी जिम्मेदारी लेती थी? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टला जरूर है, लेकिन कहीं अपने पीछे सवाल या निशान छोड़ गया है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। दोस्त, नाम क्या तुम्हारा? राजू। ये डंपर जो तुम चला रहे थे, एक्सीडेंट कैसे हो गया इसका? इससे वाले ने आगे कस्टमर के ब्रेक मार। अभी तुम किसे फोन पे बात कर रहे थे? बोले थे डंपर का ब्रेक नहीं लग रहा है। ब्रेक कब था? ब्रेक उतना लगा नहीं, आगे भाई वो आया का ब्रेक मारा। तो गाड़ी रोड पे चला रहे तो बराबर से चलाना मिलता ना, ब्रेक व्रेक सब देख के। बड़ा हादसा होता तो हाँ तो बराबर है आपका, सही चला। सब सही हादसा हुआ, क्या जानते हैं? हादसा अभी सवा दो ढाई बजे के दरमियान हुआ। अचानक पीछे से जब बड़ा आवाज़ आया था, हम बाहर आए चौकी से, तब वो डंपर वो डिवाइडर के ऊपर गया हुआ था और पोल लाइट का खाम भी टूटा हुआ दिखा था। तुरंत हमने फायर ब्रिगेड और महानगर पालिका और वरिष्ठ अधिकारी उनको इन्फॉर्म किया है, वाहतूक डाइवर्ट किया है और उसका अवगत का जानकारी चल रहा है। जितना नुकसान, महानगर पालिका के इंजीनियर भी आए हुए हैं और ऑफिसर भी आए हुए, ये करके उसका कार्रवाई का चल रहा है उसके ऊपर। चालक और कंपनी के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, जो अभी वो जो नुकसान हुआ है जिसमें जो है वो हो जाएगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।